हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी शाम के 4 बजे है और दोपहर से ही, मतलब क्या, सुबह से मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है। क्या पता बुखार आ गया लगता है मुझे, ऐसा हो रहा है। और सर्दी जैसा भी हो गया है, तो वैसे तो गर्म पानी से ही नहाती हूँ। पता नहीं अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसकी वजह से। तो वो भी विश्रुत ट्यूशन चली गई है और दोपहर का सारे बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, वो सब धोना है। और सुबह से सोच रही थी कि मैं ब्लॉग करूँ, पर मन ही नहीं कर रहा था। इतना वीकनेस हो गया है शरीर में, तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर सोचे चलो, अच्छा भी नहीं लग रहा था ऐसे सोते। कब से सो रही थी मैं दोपहर से, तो सोते सोते ही अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कुछ। तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और अभी दोपहर के बर्तन धोने के हैं, सुबह के कपड़े भी भिगोने के लिए रखे थे पाउडर में, वो भी मैंने नहीं धोए क्योंकि पानी भी बहुत ठंडा रहता है। और मन नहीं किया, इतना मन ही नहीं किया कि मैं कपड़े धो, पर धोना तो मुझे ही पड़ेगा। तो बस मैं अभी कपड़े भी धो लूँगी और अभी पानी भी आएगा रात को, तो पानी थोड़ा सा ख़त्म भी हो जाएगा तो अच्छा है। तो जो कपड़े भी धोना है वैसे पाउडर में भिगोने के लिए रखे, तो वो सब काम कर लेती हूँ। फिर मैं जाऊँगी विश्रुति को लाने के लिए। और अभी शाम है पर थोड़ी थोड़ी धूप है बाहर। पता नहीं क्या, गले में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ पानी पीऊँ तो भी नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो दोपहर को बनाई थी मूँग की सब्ज़ी, तो मूँग का थोड़ा सा पर बचा हुआ है तो मैंने इधर ढक कर रख दिया है। और रोटी रखी थी, 2 रोटी बची थी तो पूरी चीटियाँ चढ़ गई उसमें, तो रोटी भी नहीं इधर खिड़की पे रख दी है क्योंकि फिर वो रोटी तो खा नहीं सकते हैं, तो वो रोटी मैंने उधर रख दी है। और कल मार्केट से आंवला लाई थी, ये आंवला लाई थी, पर इसको मैंने हल्दी और नमक के पानी में डालना है धोकर, तो फिर मैं बाद में करती हूँ ये सब काम। पहले मैं ये सब किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा गर्म हो रहा है। तो देखती हूँ कल तक ठीक होती हूँ तो ठीक है, बाकी फिर कल तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आपसे। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो थोड़ी देर बाद में आपसे मिलती हूँ क्योंकि ये सब साफ़ सफाई करना है मुझे। तो फ्रेंड्स, इधर मैं सो रही थी चटाई पर बिछा कर, तो फिर वो सब मैं समेट लेती हूँ। और सब बंद ही रखा है मैंने खिड़की वगैरह, क्योंकि बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी इसकी वजह से। और सो रही थी पर नींद भी नहीं आ रही थी, ऐसे ही लेट रही थी। और सर्दी जैसा हो गया है, अभी भी ऐसा ही मैं वॉइस ओवर कर रही तो भी। और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसकी वजह से। तो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और घर के अंदर तो झाड़ू लगा लिया है, किचन में भी लगा लेती हूँ। और अंदर मैंने चप्पल पहन लिया क्योंकि ये नया चप्पल है, यूज़ नहीं किया है बाहर मैंने। तो अभी ठंडा है ना नीचे से टाइल्स, इसकी वजह से घर में पहनती हूँ वो चप्पल, क्योंकि सर्दी जैसा भी हो गया है मुझे इसके लिए। फिर भी कपड़ा धोऊंगी तो गीला होता ही है, पर मन को तसल्ली हो जाती है। तो ये देखिए मैं कपड़े धो रही हूँ अभी, और आज मेरे से गड़बड़ हो गई है क्योंकि सुबह में मैंने कपड़े भिगोए, इतने जल्दी जल्दी में भिगो दिए थे ना। तो ये जींस की नई पेंट थी, जींस की उसमें से कलर बहुत सारा निकल गया है और कपड़े थोड़े ख़राब भी हो गए हैं उसकी नई जींस के चक्कर में। तो वो मैंने देखा तब पता चला कि देखिए मेरा ड्रेस में कलर लगा है, विश्रुति के टी शर्ट में कलर बैठ गया है। तो अभी मैं वापस साबुन लगा लगा कर वो सब कलर निकाल रही थी, और देख सकते हो कितना कलर निकल रहा है उसमें से। तो देखिए काम बढ़ गया जल्दी के चक्कर में। तो वापस साबुन लगा लगा कर मैं घिस रही थी और डबल मेहनत हो गई मेरी। तो वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। और ये देखिए विश्रुति का व्हाइट टी शर्ट भी था उसी के साथ में, तो वो भी ब्लू कलर का हो गया है। ओ पता नहीं क्यों मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि ये नया वाला है, ऐसे मुझे मगज से निकल गया, अलग से रखना था मुझे। पर सुबह से तबीयत ही अच्छी नहीं थी ना, इसकी वजह से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, और मैंने ऐसे भिगो दिए सारे कपड़े। तो कोई नहीं, ऐसे साबुन लगा लगा कर मैं घिस घिस कर निकाल देती हूँ। तो वैसे तो निकल जाते हैं, इतना ज़्यादा रहता नहीं था, वो निकल रहा था साबुन से।
तो बस सारे कपड़े तो धो लिए है मैंने, और अब बाहर का नज़ारा कुछ देख रहे हो, ऐसा हो गया है उधर गार्डन जैसा है पीछे, मतलब कि थोड़े से दूर उधर बच्चे भी बहुत सारे खेलते हैं, पर मैं अभी तक गई नहीं हूँ उधर। और ये दो पपीते के पेड़ है उधर, और सनसेट भी आप देख सकते हो। और अभी मुझे जाना था विस्तृति को ट्यूशन में लेने के लिए, और कपड़े धोकर ही मैं जाने वाली थी, तब पानी छोड़ दिया बिल्डिंग में से, तो पानी भरने के लिए मैं रुक गई थी। और ये ड्रम में ये नली लगा कर मैं रख दूंगी तो ड्रम भर जाएगा। अभी पानी भर रही है, पता नहीं आज क्यों जल्दी पानी आया, बाकी तो रात के 8 बजे के टाइम ही है पानी आने का। और विश्रुति आ गई है टिशुन से, केला खा रही है भूख लगी विश्रुति को, तो वो आ गई है अकेली, आ गई है आज क्योंकि मैंने फ़ोन कर दिया था ना उसकी टीचर को, तो उसने झूठ भेज दिया विश्रुति को। और क्योंकि आज पानी आ गया इसकी वजह से, बाकी तो पानी रात को 8 बजे आता है, तो मैं 8 बजे पानी भरती हूँ। और आज कपड़े धो रही थी और पानी जल्दी छोड़ दिया था, तो क्योंकि आज मैं खेलने जा रही हूँ। नहीं अभी नहीं बेटा, अच्छा ट्यूशन से आई और खेलने जाना है इसको। और अभी ये ड्रम भर रहा है, तब तक मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ मैं। ये बर्तन जो अभी सूखेंगे फिर मैं सारे स्टैंड में लगाऊंगी उधर। और मौसम थोड़ा सा क्राउडी क्राउडी हो रहा है, पता नहीं क्यों गर्मी जैसा भी हो रहा है, और दोपहर को इतनी ठंड भी लग रही थी, और गला भी थोड़ा सा बैठ चुका है मेरा। तो पानी अभी ऊपर का टंकी भी भर रहा है और नीचे का ड्रम भी भर रहा है, तो ये देखिए। तो पानी भरने के बाद इधर मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि पानी भर रही थी ना तो सब पानी पानी हो गया था अंदर, इसकी वजह से किचन में पोछा लगा रही हूँ मैं। और ये शाम का टाइम है, थोड़े बाजार में गई थी पास में, तो पालक की भाजी लाई थी, तो पालक की सब्जी बनाऊंगी आज रात के खाने में। और आने के बाद दिया बाती किया और फिर ये पालक साफ़ कर रही हूँ मैं, तो मैं पूरा रेसिपी तो आपको नहीं दिखाऊंगी। तो ये देखिए पालक की सूखी सब्जी बनाई है मैंने, और दोपहर की थोड़ी सी मूंग की सब्जी भी है, तो ये थोड़ी सी पालक की सब्जी है एकदम सूखी बनाई है, और ये रोटी अभी मैंने बना ली है। अभी आप देख सकते हो पीछे ये विश्रुति ने ये सब किया हुआ है, ड्राइंग कर करके चिपकाया है, देखो कैसा लग गया। उसने खुद ही से ड्राइंग किया, मैंने उसके लिए ड्राइंग बुक लिया था ना, तो विश्रुति ने फाड़ फाड़ कर ड्राइंग करके इधर लगवा दिया है। और वो है विश्रुति की फ़ोटो, जब वो 6 मंथ की थी, 6 या 7 मंथ की थी तब की है वो फोटो। और अभी रात के 9:15 बज गए हैं, और दिया अभी भी जल रहा है। मंदिर लेना है हमें, पर नए साल में नए साल में मंदिर भी लेना है। और किचन में अभी दोपहर के बाद से मुझे थोड़ी सी तबीयत अच्छी लग रही है, क्योंकि इधर आप देख सकते हो मैंने टीका किया है, इधर लक्ष्मी पूजन था आज, लास्ट गुरुवार था, तो मैं गई थी दर्शन करने आरती करने, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और पूजा वगैरह में जाते हैं ना तो माइंड फ्रेश हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगा। और बस खाना भी बना लिया है, सिंपल सा खाना है, बस जैसा है फिर खाना खाते हैं। और बस ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।